आज भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। ये ई रिक्शा रैली थी, जैसा कि आपने देखा तमाम वार्डों से ई रिक्शा और तमाम लोगों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिला। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से प्रत्याशी कामिनी राठौर जी, उनसे जानते हैं कि किस तरह की ये रैली का आयोजन किया गया था, उसका क्या उद्देश्य था। कामिनी जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, और सबसे पहले ये बताइए कि कैसा रहा आज की ये रैली थी और वो क्यों आयोजित की गई थी। नमस्कार, मैं कामिनी राठौर, महिला मोर्चा से। महिलाओं ने हमारे लिए रैली रखी थी वोट की अपील करने के लिए, और उन्होंने बढ़ चढ़कर महिलाओं ने उसमें हिस्सा लिया। वार्डों से महिला पार्षदों ने लिया और सभी महिलाओं ने लिया है हिस्सा, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा कार्यक्रम रखा। और मैं सभी से अपील करती हूँ कि आने वाली 4 तारीख को कामिनी राठौर को, भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और उनकी विजयी बनाएं। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए रैली रखी है। तो कैसा महसूस किया आज आपने? आप रथ पर सवार थी और नीचे आपके साथ साथ पीछे बहुत सारी जनता थी, पब्लिक थी, प्रत्याशी थे। बहुत अच्छा लगा, सब ने मुझे स्नेह दिया, सब मुझे देख रहे थे और सब हाय हेलो कर रहे थे, तो लग रहा था कि सब साथ में हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि जीत हो गई है और जीत का जश्न मना रही हैं आज आप? जी नहीं, अभी नहीं ऐसा लग रहा है, मतलब जीत तो पक्की है, लेकिन फिर भी मैं सभी जनता से, फिरोजाबाद वासियों से निवेदन करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट हमें दें और 17 नगर निकायों के चुनावों में से सब अपनी कामिनी राठौर को नंबर वन में जिताएं। धन्यवाद। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा आज इस 56 वार्डों के 56 पार्षद प्रत्याशियों के साथ, यानी कि जो हमारा सेंट्रलाइट रथ था उस पर हमारी महापौर प्रत्याशी श्रीमती कामिनी राठौर जी और उनके पीछे 54 वार्ड के 54 पार्षदों की एक एक ई रिक्शा के एक ई रिक्शा यात्रा हमने आज जैन मंदिर से प्रारंभ की थी, जिसका प्रारंभ हमारे इस ब्रज क्षेत्र के यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान दुर्गविजय सिंह साक्य जी ने झंडी दिखाकर किया। रथ पर जिलाध्यक्ष राकेश शंखवार जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमती मुन्नी देवी जी, श्रीमान मनीष सिया जी, श्री दुर्गविजय सिंह जी और हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती कामिनी राठौर जी थी। रथ जैन मंदिर से प्रारंभ होकर सेंटर टॉकी चौराहे से डाकखाना बर्फखाना चौराहे होते हुए क्लब चौराहे कड़करू कोठी चौराहे होते हुए चुनाव कार्यालय पर आज का समापन हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा जनता जनार्दन का अभूतपूर्व समर्थन और आशीर्वाद हमारी इस यात्रा को मिला है। आज भारतीय जनता महिला मोर्चा के नेतृत्व में श्रीमती कामिनी राठौर के जन समर्थन के लिए एक विशाल रैली निकाली गई। और मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो महिला नारी शक्ति है, आज स्वयं अपनी प्रेरणा से ही घरों से निकल कर आई और उन्होंने एहसास दिला दिया कि हम पुरुषों से कहीं कम नहीं हैं। जब उनका नेतृत्व एक महिला कर रही है तो इस शहर की जो नारी शक्ति थी, मातृ शक्ति थी, उन्होंने 2 दिन पहले हमारे चुनाव संयोजक जी को बताया कि हम भी एक अपनी तरफ से कोई एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं पुरुषों को कि जिस दिन मतदान हो तो महिला भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। और मैं समझता हूँ कि पुरुषों के बराबरी करने में आज महिला की बड़ी जिम्मेदारी भी है, और केंद्र की सरकार, प्रदेश सरकारें लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं और इसकी प्रत्याशी भी महिला है। तो आज का जो जनसमूह था, बहुत उत्साह था लोगों में, छोटे छोटे बच्चे भी थे, 1-2 बच्चों नारे लगा रहे थे कामिनी राठौर जीतेंगी, नौजवान महिलाएँ थीं, बुजुर्ग महिलाएँ थीं, और पूरा एक तो पारिवारिक माहौल लग रहा था जैसे कि पूरा हमारा एक ही घर चल रहा हो। 56 वार्डों के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपने अपने परिवार की, अपने अपने वार्ड की महिलाओं को भेजा और ई रिक्शा में, टिर्री में बैठकर पूरे एक शहर की परिक्रमा की, लोगों को मैसेज किया, लोगों से जन समर्थन की उन्होंने अपील भी की, और काफ़ी उत्साह है लोगों में। और मैं समझता हूँ कि अब कोई शेष बचा भी नहीं है, आज की रैली ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो 4 मई को होने वाला है उसका आगाज आज से ही हो गया और कोई टक्कर में नहीं बचा। कामिनी राठौर बहुत बड़े मतों से विजयी होने वाली हैं, आज की जो इस रैली ने बड़ा एहसास भी करा दिया है। फूल नहीं चिंगारी हैं, यह भारत की नारी है। यह आज फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी की जनप्रिय लोकप्रिय प्रत्याशी कामिनी राठौर ने साबित करके दिखा दिया है।
आपने देखा कि किस प्रकार से महिलाएं, बच्चे, नौजवान, युवाएं, यानी कि एक पूरा जनसमूह आज की इस महिला रैली में निकलकर जो सामने आया है। आप निश्चित मानिए कि 4 मई को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जो चुनाव हो रहा है, आप देख लेंगे कि 4 तारीख को महिलाएं सर्वाधिक वोट करने वाली हैं इस चुनाव में, और वो पुरुषों को पीछे छोड़ने वाली हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व स्वयं महिला करने जा रही है।